फिलहाल हाल ही में शर्लिन ने राखी सावंत पे काफ़ी कुछ एलिगेशन लगाए, काफ़ी सारी बातें कि इस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के पीठ पीछे बात करना एक बहुत ही ख़राब बात होती है, बहुत गंदी बात होती है। अगर किसी में मैनर्स नहीं है तो वो ये सब चीज़ें करता है। दुनिया को मालूम है कि राखी सावंत अभी उमरे के लिए गई हैं, वहाँ पे भी मदीने में भी लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं, जब उसको बोल रहे हैं राखी प्लीज़ हमें आपके साथ सेल्फी लेना है, तो बोल रही है राखी मत कहो फातिमा कहो मुझे। क्लियर, वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो वो खुद ही कह रही है कि फातिमा हो चुकी है, मक्के में उनकी एंट्री है। और शर्लिन चोपड़ा जैसी लड़की ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। शर्लिन चोपड़ा कौन है? शर्लिन चोपड़ा अपने अंदर गिरवान में हाथ झाँक के देखें पहले कि वो खुद कौन है, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, क्योंकि आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली पहले आप पे उठ जाती हैं। अगर एक बंदी अपना अगर कन्वर्ट हो गई, कोई किसी धर्म को भी कोई अपना सकता है, जा सकता है, इस पे किसी की बाउंडेशन नहीं है। अगर एक सच्चे दिल से उमरा करने की लड़की गई है तो अभी लोग उसके पीछे लग गए हैं। और शर्लिन चोपड़ा का ये भी कहना है कि सऊदी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे प्रूफ चाहिए कि राखी सावंत मुस्लिम होंगे, या प्रूफ दीजिए। होती कौन है शर्लिन चोपड़ा पूछने वाली है? कौन होती बताइए? सऊदी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से पहले परमिशन लिया आपने ये सब बोलने की? यस, आपने हाल ही में सपोर्ट भी किया राखी सावंत के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शामिल थे, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके मन में कब आया कि मुझे राखी सावंत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग उनके ही अपने उनके अगेंस्ट हो चुके हैं हाल ही के दिनों में? देखिए, मैं फैज़ान अंसारी, हमेशा फैज़ान अंसारी सच्चाई के साथ रहा है, सच्चाई का साथ दिया है। राखी सावंत सच्ची हैं और फातिमा सच्ची हैं, तो मैं उनके साथ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उनकी जगह कोई भी होता जिसके साथ गलत हो रहा है तो मैं सामने आता हूँ, पूरे प्रूफ और सबूत के सामने आता हूँ। शर्लिन चोपड़ा ने बिल्कुल गलत एलिगेशन राखी सावंत पे लगाए, उसके लिए भी शर्लिन चोपड़ा पे भी अभी हम लोग केस फाइल कर रहे हैं। ऑलरेडी वो जाने से पहले राखी अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, राखी सावंत उन हज़ारों सेलिब्रिटीज से बहुत अच्छी हैं जो उमरे पे जाने के बहाने यू नो अपनी पब्लिसिटी के लिए जाते हैं, रील्स बनाते हैं। अब मैं किस किस के नाम बताऊं, अभी रील्स वायरल, न्यूज़ ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी। अहराम जो हमारे यहाँ पहन के जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया में उतार के पहनते हैं, वो घर से पहन के जा रहे हैं ओशिवारा अंधेरी से बैंड्रा से। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इतना शो ऑफ नहीं करें। एटलीस्ट ये उम्रे को या किसी भी धर्म को अपने शो ऑफ में यू नो इन्वॉल्व नहीं करें। अभी राखी वहाँ पे गई हैं तो लोग वीडियो बना बना के उनके वायरल कर रहे हैं, लोग उनके सेल्फी के लिए जा रहे हैं, वो खुद कहीं भी कुछ पोस्ट नहीं कर रही। इसी दौरान आपकी कुछ बातचीत हुई राखी सावंत से जब वो उमरा के लिए गए, इसी बीच आपकी कोई आपने कुछ कॉल करके उनके उनसे संपर्क करने की कोशिश की? जी हाँ, मेरी कल ही आफ्टरनून में बात हुई थी। वो बहुत ही खुश हैं और राखी ने यही मैसेज दिया कि दूसरों को भी मैं मैसेज दूँ कि मैं इतनी अच्छी जगह आ गई हूँ, इतना सुकून मुझे मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत इन्जॉय करूँगी और उम्र पे मैं आती रहूँगी। और हज़ारों लोगों की दुआएं, राखी ने बताया कि एयरपोर्ट पे भी उनको लोग रिसीव करने गए हैं। सऊदी जो अरब लोग हैं, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, जो शेख हैं, जो अरबी लड़की हैं, वो उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, उनके लिए केक सर्व कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी कि इंडियन सेलिब्रिटी को इतनी इज्जत मक्के मदीने में मिल रही है। इसी दौरान बीच में आपने आदिल के बारे में भी कुछ कहा था, एक व्यक्ति से, टैटू वाले व्यक्ति से आपने संपर्क की, के कुछ उसी दौरान कुछ आपने कहा था, उसके बारे में कुछ अगर हम डिटेल में जानना चाहेंगे क्या क्या है एग्जैक्टली वो उस मामला? मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि आदिल खान दुरानी कोई नहीं है, वो एक्चुअली शर्लिन चोपड़ा का एक मोहरा है। मेन जो गेम प्लानर है वो शर्लिन चोपड़ा है। अभी वो लोग नया गेम कर रहे हैं। शर्लिन ने उस टैटू वाले से बोला के काम करो, तुम फिर से फैज़ान को अटैक करो, फैज़ान को मैसेज करो। तो आप लोग ये देख सकते हैं, क्लियर मेंशन है, ये टैटू वाले ने मुझे, जो अभी आदिल दुरानी का दोस्त बताया जा रहा है, शर्लिन का दोस्त बताया जा रहा है इसको, तो शर्लिन ने इससे बोला कि तुम ये फैज़ान को मैसेज भेजो। आप क्लियर देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें आदिल दुरानी का इंस्टा लिंक है और ये क्लियर मेंशन है। मैं रीड करके बताऊँ आपको? यस, ये देखिए क्लियर मेंशन है, भाई इसको एक्सपोज करता हूँ, कोई मीडिया वाले का नंबर दो ना, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ये कल शर्लिन चोपड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, आप देख सकते हैं, ये बंदा कल शर्लिन चोपड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्लिन को सपोर्ट कर रहा है और आज मुझसे कह रहा है कि मीडिया वाले का पर्सनल नंबर मुझे दो, आप लोगों का नंबर मुझसे मांग रहा है, जबकि आप लोगों का नंबर मेरे पास भी नहीं है, मेरी टीम, मेरी मैनेजर आप लोगों से कॉन्टैक्ट करती है। तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसका नंबर मुझे दो, मैं इसे एक्सपोज करता हूँ। मुझे इतना फंसाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि शर्लिन चोपड़ा इतना आसान नहीं है, फैज़ान अंसारी को फंसाना इतना आसान नहीं है, सच्चाई को फंसाना इतना आसान नहीं है, सच्चाई को छुपाना, सच्चाई तो सामने आके रहती है। ये देखिए सच्चाई सामने आ गई, ये लोग बहुत झूठे हैं और शर्लिन चोपड़ा एक फेक लड़की है, एक झूठी लड़की है, जो आप देखिए ना अपने बॉडी पे कितने एक्सपेरिमेंट करती है, कितने इंजेक्शंस ले रही है, क्या क्या कर रही है, वो तो वही जानती है। तो सच्चाई सच्चाई ये लोग बिल्कुल नहीं है, आज मैं सच्चाई प्रूफ सामने लेके आया हूँ। फैज़ान, एक आखिरी सवाल मेरा, आपका आगे क्या कुछ प्लान होगा, किस तरह से आप फाइल करने वाले हो? जी यस, क्या कुछ आप करने वाले हो आगे? देखिए केस फाइल तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है,
उसके अलावा अभी हमारे लॉयर भी बात कर रहे हैं, जो भी बात हुई है शर्लिन की टीम से ही बात हुई है। तो अभी अभी राखी कह के गई है जैसे कि शर्लिन के अगेंस्ट भी हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, शर्लिन चोपड़ा के अगेंस्ट भी राखी सावंत एफ आई आर कर रही है, सिर्फ उनके आने का यहाँ पे देर है। और हमारे लॉयर जो है अली काशिफ, एडवोकेट जो अली काशिफ हैं, जो वेल नोन लॉयर हैं, वो भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी ये लोग बहुत ही लीगली बहुत बड़े प्रॉब्लम में आने वाले हैं, क्योंकि इनका झूठ सामने आता जा रहा है। एक बार फिर मैंने आपको कितने प्रूफ दिखाए समझी, और बाकी चीज़ें तो राखी जैसी इंशाल्लाह जल्दी उम्रा से वापस आएंगी और सबको दुआएं लेके आएंगी, सबके लिए उन्होंने कहा एक खजूर लेके आऊँगी मैं, जो वहाँ पे बहुत बरकत ही बहुत यू नो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ मानी जाती है। सो बहुत जल्दी आप लोग सामने बहुत नए खुलासे होने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से, मैं लास्टली ये कहना चाहता हूँ सारे अपने फैंस से, जो लाखों करोड़ों लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि शर्लिन चोपड़ा और उनकी टीम पर भरोसा नहीं करें। असली गेम प्लानर शर्लिन चोपड़ा है, उसको एक्सपोज करें प्लीज़, उसको उसकी गलतियों को सामने लेकर आएँ। पूरा गेम वो कर रही है, मुझे मैसेज करा रही है, लोगों को जोड़ती जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए नए लोग बुला रही है। तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदिल खान दुरानी मेन इंसान नहीं है, शर्लिन चोपड़ा का एक मोहरा है, मेन जो गेम प्लानर है वो शर्लिन चोपड़ा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।